ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप VO T2 5G मोबाइल में आप किस तरीके से स्विच ऑफ या फिर रिस्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर देख पा रहे हो पावर बटन प्रेस करते ही यहाँ पर गूगल का असिस्टेंट जो है वो आ जाता है। तो अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको कैसे फिक्स करेंगे, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में, और यहाँ पर सेटिंग में जैसे ही आप इनेबल यानी कि ओपन करोगे सेटिंग को, तो ऊपर सर्च बार जो दिख रहा है आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करने के बाद आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना। आपको लिख देना है यहाँ पर POW, जैसे आप पावर लिख दो, यहाँ पर देखिए पावर मैं लिख रहा हूँ, आपको भी पावर लिखना है। तो पहले नंबर पर एक ऑप्शन आ जाएगा प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल रहा है प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, फिर से आपको इसी पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसी पर फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक फिर से एक ऑप्शन मिल रहा है प्रेस एंड होल्ड पावर बटन। अब यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहे हैं, नीचे एक लॉन्च गूगल असिस्टेंट और ऊपर जो इनेबल पावर इमरजेंसी मेनू, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब दोस्तों आप जब भी पावर बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पर स्विच ऑफ या फिर रिस्टार्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पावर बटन को जो है रिस्टार्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं।